पाएंगे या नहीं, जहां डिम्पी है खुद खुश नहीं रह पा रही है, अकेले अकेले में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हमें कुछ अजीब सुकाम दे दिया हो। वैसे में डिम्पी चाहती है कि मैं कीटू के साथ ही रहूं ताकि मुझे सब कुछ सेटिस्फाइड हो सके। तो क्या ऐसा ही कुछ हो पाएगा, जान डिम्पी की ख्वाहिशें पूरी हो पाएगी या नहीं, क्या डिम्पी की वो उम्मीदें जो पूरी हो पाएगी या नहीं, डिम्पी चाहती है वैसा होगा या नहीं। डिम्पी चाहती है कि मुझे कीटू के साथ रहना पसंद है, लेकिन वनरासा है बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। फर्स्ट टाइम वनरासा घर में एंट्री होते टाइम ही कीटो को घर के बाहर और डिम्पी को दोनों को साथ में देख लिया, तब से वह काफ़ी ज़्यादा इरिटेट, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है दोनों पर भी। डिम्पी कुछ कहना चाहती है लेकिन उनकी बात कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन सिचुएशन के दौरान अब क्या कहने वाले हैं डिम्पी को वह, और साथ ही साथ डिम्पी कुछ ऐसा करने वाली है जिससे और भी ज़्यादा गुस्सा होने वाला है, क्योंकि दो बार पहले ऐसा कुछ कर दिया जिसमें सभी कपाड़िया उस हाउस में दोनों डिम्पी पर कुछ बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी तो बिल्कुल भी इस प्रकार की सीरियस हो रखी है डिम्पी पर, तो नहीं चाहते कि डिम्पी इस घर में रहे या जो भी रहे वो खुश से ना रहे। ऐसे ही सिचुएशन के दौरान अब क्या होगा, अपकमिंग प्रोमो में आप ही देखने वाले हैं। इसी प्रकार रोज़ाना की जानकारी।